Hello everyone, I am Nidhi Roy and today's our topic is remote sensing. At first, we will know that what is remote sensing. Remote sensing hai kya? Kya experimental thing hai, theoretical thing hai? Kyun padh rahe hai? Iski zarurat hame kyun padhi hai? To hum in sab ko janenge ki remote sensing hota kya hai. Pehle isko hum log padhte hai. Remote sensing ko mainly hum log geology mein padhte hai. इससे हम मैं आप लोगों को इस इमेज के थ्रू समझाती हूँ कि ये क्या होता है रिमोट सेंसिंग. सन है, हम सन के बारे में जानते हैं कि ये सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है हमारा सन. ये हमारा अर्थ है, अर्थ पे बहुत सारी चीजें, पेड़ पौधे हैं, ये हमारा माउंटेन हो गया, ये हमारे रिवर हो गए, घर हो गया, हम हो गए, मटेरियल्स हो गया, इच एंड एवरीथिंग ऑन द अर्थ. जब एनर्जी जो प्रोड्यूस हमारा सन कर रहा है तो ये क्या करेगा, इससे जो एनर्जी आ रहा है वो पेड़ पे भी आ रहा है, माउंटेन पे भी आ रहा है, रिवर पे भी आ रहा है, एंड इच एंड एवरीथिंग पे. ये लाइट जो आ रहा है उसको हम सिर्फ एनर्जी के फॉर्म में जानते हैं, बट इसका नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. और फिजिक्स के टर्म में हम इसको जानते हैं क्वांटा फोटोन, दैट इज अ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी. जब ये एनर्जी हमारे अर्थ पे आता है तो क्या होता है, हमारे जो मटेरियल्स है, रिवर है, घर है, पेड़ है, पहाड़ है, वो क्या करता है, कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है. जस्ट लाइक इसने कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब किया, इसने कुछ किया, इसने कुछ किया, वैसे ही कुछ कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करके कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी को जो है ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं बैक, ये रिफ्लेक्ट कर देगा बैक. तो ये रिफ्लेक्ट जब करता है लाइट तभी हमें चीजें दिखाई देती हैं. तो इस प्रोसेस से क्या होता है, हमें चीजें दिखाई दे रही है. अब इसका तीन केस होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, ये थ्री वे में काम करता है. दैट इज मैं आप लोगों को समझा रही हूँ. जैसे हमारा फर्स्ट केस ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है. मान लीजिए हमारा ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम फॉल हो रहा है 100%, डेट इज आई एम टेकिंग इट एज अ एग्जाम्पल दैट अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम 100% किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल कर रहा है और वो 100% रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, इट मीन्स कि वो अपने पास कुछ भी नहीं रख रहा है, तो उसका कलर क्या होगा, इट्स कलर इज व्हाइट, ये व्हाइट कलर का दिखेगा हमें. सेकेंड केस में होगा जब हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल करता है 100% और रिफ्लेक्ट वो कुछ भी नहीं करेगा 0%, तो इसमें क्या होगा, वो कलर हमें बिल्कुल ब्लैक दिखाई देगा, इनविजिबल, हम देख नहीं सकते हैं. थर्ड कंडीशन है जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है हमारा 100% किसी ऑब्जेक्ट पे गया और 50% एब्जॉर्ब करके 50% वो रिफ्लेक्ट कर दिया, तो वो चीज हमें दिखाई देती है, उसके अकॉर्डिंग ही हम काम करते हैं. तो इसमें रिमोट सेंसिंग के केस में भी सेम थिंग है, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम फॉल हुआ, कुछ पार्ट को उसने रिफ्लेक्ट कर दिया. अब जो वो पार्ट वो रिफ्लेक्ट किया, उस पार्ट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट पार्ट को जो हमारा यहाँ सैटेलाइट है, सैटेलाइट क्या करेगा, इस चीज को सेंस करेगा, जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको सेंस करेगा, उसके अकॉर्डिंग वो एक डाटा तैयार करेगा कि किस जगह से कितना वेव जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है. तो ये हमारा प्रोसेस हो गया. अब हमारा जो है ऑब्जेक्ट, क्या ये जरूरी है कि हमारा हर ऑब्जेक्ट जो है वो सेम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और सेम एनर्जी रिफ्लेक्ट करेगा? नो, इट इज टोटली रॉन्ग. जितना हमारा माउंटेन है मे बी ये 20% एब्जॉर्ब करेगा, 80% रिफ्लेक्ट करेगा, मे बी हमारा जो पेड़ है वो 50% एब्जॉर्ब करेगा, 50% रिफ्लेक्ट करेगा. हर ऑब्जेक्ट के लिए उसका जो एब्जॉर्प्शन पावर होता है और रिफ्लेक्टर्स पावर होता है दोनों अलग अलग होता है, सब डिफरेंट होता है. अब ऑब्जेक्ट का कुछ प्रॉपर्टीज तो होता होगा जिसके अकॉर्डिंग हम ऑब्जेक्ट को पता लगा सकते हैं या जान सकते हैं कि किस ऑब्जेक्ट में कितना कैसा प्रॉपर्टी वो एक्वायर कर रहा है. इसका पहला प्रॉपर्टी है हम लोग फिजिकली उसको देखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी उसका क्या है. दूसरा है हमारा केमिकल कंपोजिशन क्या है उसका. थर्ड प्रॉपर्टी है कि स्ट्रक्चरल कैसा है वो, स्ट्रक्चर वाइज क्या स्क्वायर है, स्फीयर है, रेक्टेंगुलर है, क्या उसका स्ट्रक्चर है. एंड ऑल्सो डिपेंड करता है सर्फेस रफनेस पे, इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, फिर वो कितना वेवलेंथ है उसका, इन सब चीजों पे भी वो डिपेंड करता है. इसका मेनली टू फीचर्स होता है. तो पहला फीचर्स ये है कि ये डाटा को एक्वायर करता है, डाटा को एक्वायर किया ये अर्थ के सर्फेस से, हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग उसका प्रॉपर्टीज होता है और डाटा जो सैटेलाइट हमारे पास है उसको सेंस करता है. सेकंड प्रॉपर्टी है कि डाटा का हम लोग एनालाइज करते हैं.
तो ये हमारा कंडीशन हो गया रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग के साथ साथ हम लोग जीआईएस के बारे में भी सुने होंगे, तो क्या रिमोट सेंसिंग और जीआईएस दोनों सेम चीज होती है? नो, इट इज टोटली डिफरेंट। मतलब ये दोनों एक दूसरे से रिलेट जरूर होते हैं, बट हम इन दोनों को सेम नहीं बोल सकते, दोनों सेम नहीं होते हैं। तो इस केस में क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको हम अच्छे से डिफाइन करेंगे। पहले जीआईएस होता क्या है? तो जीआईएस का मतलब हुआ जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये फुल फॉर्म हो गया। इससे हम लोगों को क्या पता चलता है, इसका क्या यूज है? तो हमारा ये मान लीजिए जो हमारा सैटेलाइट था, वो एब्स जो डाटा रिफ्लेक्ट हो रहा था उसको ये सेंस कर रहा था। रिफ्लेक्ट डाटा को जो सेंस किया तो उसके अकॉर्डिंग उसने एक फॉर्म बनाया, उसके अनुसार उसने एक डाटा तैयार किया। तो हम जो है, हम डायरेक्ट सैटेलाइट से अपने आप को कंसल्ट नहीं कर सकते। तो ये जो हमारा सैटेलाइट है वो जो रिफ्लेक्ट वेव को जो एब्जर्व करके डाटा बनाया, उसको हमारा जो हमारे अर्थ पे डाटा का एक सेंसर है, वो इसको सैटेलाइट जितनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है वो इसको भेज देगा। इसको हम लोग बोल सकते हैं डाटा कलेक्टेड सेंसर। और जब यहाँ पे वो सैटेलाइट के द्वारा जो भेजा गया इन्फॉर्मेशन डाटा कलेक्टेड सेंसर के पास आता है, तो ये एक एक्चुअल में डाटा तैयार करता है, जिसके थ्रू हम लोग पता लगाते हैं कि हाँ कहाँ पे कितनी वे में वेव रिफ्लेक्ट हो रहा है और कहाँ पे कम हो रहा है। अब हम इसका यूज क्यों करते हैं? रिमोट सेंसिंग का यूज मेनली कहाँ किया गया था? तो रिमोट सेंसिंग का मेनली यूज फर्स्ट टाइम मिलिट्री के द्वारा किया गया था। मिलिट्री लोग क्या करते थे, अपने एनिमीज को उन लोगों को आइडेंटिफाई करने में या उन लोगों को ढूंढने में उन लोग इसका हेल्प करते थे रिमोट सेंसिंग का। सेकेंडली टूरिज्म के हेल्प में, टूरिज्म के फील्ड में भी इसका यूज होता है। एंड थर्ड वन, इसका यूज हम लोग जियोलॉजी में करते हैं। जस्ट सपोज, अब रिमोट सेंसिंग के थ्रू हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं, मान लीजिए हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम फॉल हो रहा है इस जगह पे, ये हमारा सोयल है, इस पे भी वो फॉल कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये फॉल कर रहा है। मान लीजिए इस जगह से वो 50% रिफ्लेक्ट कर रहा है, यहां से 20% रिफ्लेक्ट कर रहा है, यहां से 50, यहां से 50, तो सेंसर सैटेलाइट जो देखेगा यहाँ पे 20% क्यों रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसके मतलब वहां कुछ, अगर हमारा एक नॉर्मल सरफेस है और वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम फॉल करता है और वो रिफ्लेक्ट करेगा, तो मान लीजिए वो अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ सोयल है और वो सरफेस है, तो वो मे बी 50% एब्जॉर्ब करेगा, 50% रिफ्लेक्ट करेगा। और अगर हमारे सरफेस पे यहाँ पे नीचे में पेट्रोलियम है, कोल है, गोल्ड है, तो वो क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन पावर बढ़ा देगा। मतलब वो 100% अगर फॉल हो रहा है तो 80% वो एब्जॉर्ब करेगा, 20% रिफ्लेक्ट करेगा। इसके थ्रू हम लोग कोल गोल्ड पेट्रोलियम ये सब का पता लगा सकते हैं। तो अब हमारा जो रिमोट सेंसिंग है उसके एप्लीकेशंस भी है, उसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।